पूर्व संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए मंत्रियों पर निशाना साधा और कहा कि जिन पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है उन्हें जनता सबक सिखाएगी। गोविंद सिंह ने कहा, मंत्री बनना तो दूर, आने वाले समय में चप्पलें चटकाते नजर आएंगे ये मंत्री। गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री बनने को लेकर कहा, भाजपा सिंधिया को राज्यसभा भेज दे वही बहुत बड़ी बात है। ग्वालियर में पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनौती दी है कि वे भ्रष्टाचार के आरोपों को सिद्ध करके दिखाएं। उन्होंने कहा, सिर्फ बयानबाजी करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को जल्द ही अपनी जमीन नजर आने लगेगी, क्योंकि उनके समर्थक मंत्री केंद्र में उन्हें मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि मंत्री प्रहलाद पटेल ने खुद पार्टी की परिपाटी बताते हुए राजपूत की बात का खंडन किया। इसीलिए बीजेपी उन्हें राज्यसभा ही भेज दे तो बड़ी बात है, केंद्र में मंत्री बनना तो दूर की कौड़ी है। गोविंद सिंह ने भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस मंत्रियों को चुनाव में जनता द्वारा सबक सिखाने की बात कही। तो कांग्रेस की कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं या भ्रष्टाचार की उनको सबूत हैं तो जांच कराएं, कार्रवाई करें। अखबार में केवल मोह चलाने से काम नहीं बनेगा, काम करके दिखाएं, भ्रष्टाचार सिद्ध करके। मंत्रिमंडल गठन के बाद मंत्रियों ने जो अपने पिछले महीनों जो सौदेबाजी करके कांग्रेस जैसी पवित्र पार्टी के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ता खून पसीने के साथ जो सौदेबाजी की है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता क्षेत्र की जनता उनको सबक सिखाएगी। उनको सड़क पर लाकर चुनाव के बाद चपड़े चमका दी जाएंगी। कोई भी मंत्री है एक दो महीने तक सपने देखते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।